यहाँ से जाएंगे, अब बाइक लेंगे। एडवेंचर है एंड मस्त मस्त। मैंने सोचा कि यार एक ब्लॉग भी बनाया जाए, काफी मस्त मस्त बाइक, और हर बाइक से हम निकलेंगे तभी एक भैया परफेक्ट बाइक कल को हम ले पाएंगे। ये चीकड़ फेंक गया यार मेरे पर यार आदमी, और भैया देख लेते कोई आ तो ना। जैसे हम स्पीड में लेके जा रहे हैं तो भैया काफी आनंद भरपूर मजा आ रहा है, जो इसका मेरे को मजा आ रहा है ना चलाने का। आहा आहा, तो यार एग्जॉस्ट भी सुना मैंने इसका, बहुत ही मस्त लगा। ओहो ये तो सीन काफी बढ़ गए, और भैया चाचा फुल टू फुल चले हो मजे में। ये देखिए मीटर कितना जबरदस्त लग रहा है, कल को हम भी भैया ऐसे ही थोड़ा सा ग्रो करके बाइक लेंगे जरूर। हाँ जी भाई लोगों, तो घर से निकलते हैं अभी, बाइक करेंगे चेंज। आज मैं चलाने वाला हूँ भैया अवेंजर। यार गेट गुड भी बंद करते हैं ना, तो लो जी भाई लोगों मैं घर से निकल गया मस्त मस्त। तो ये अंकल जी कहाँ जा रहे हो, कौन सी साइड में चले हो, मस्त मस्त आप भी। क्योंकि कुछ ब्लॉग ऐसे आने वाले हैं जिसमें हम भैया बाइक्स वगैरह चेंज करेंगे, कई ब्लॉग में मैं चलाऊंगा एवेंजर, और भी कई बाइक्स हैं पाचे वगैरह, सभी बाइक्स के हम आनंद लेने वाले हैं। क्योंकि यार आनंद लेंगे तभी तो भैया थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाएंगे अलग तरीके से, तो हमने ये सोचा है सब कुछ माइंड में। तो अभी भैया हम करेंगे मस्त मस्त भैया बोट ब्लॉगिंग। अंकल जी कैसे हैं? अभी यार मौसम है तो सूरज दादा भी निकले हुए थे, हॉर्न उन मार लेते हैं यार मोड़। ओहो बस आ गई, आहा ये तो सीन बढ़ गया रे, ये तो रास्ते में बस आ गई। ओहो चलेगी, ये खड्डे बहुत हैं यार, ये तो भैया चक्कर वक्कर ही है। ओहो भाई बनो तो वापिस आकर हम बाइक भी उठाएंगे यार मस्त मस्त। हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, पंकज भैया वगैरह सभी को बुलाते हैं। तो पहले को यहाँ से जाएंगे बाइक लेंगे। भैया आगे तो ये लगा दिया है जगह, तो भैया अभी चलाएंगे अवेंजर। चक्की ले, स्टार्ट ही नहीं हो रही, मजे तो आऊंगा ता ही नहीं चल गए थे। चौक लाइयो पर सेल्फ पर राइड करेंगे फर्स्ट टाइम, तो जो भी सीन होगा देखते हैं। तो बहुत ही ज्यादा रेस ले चुका है यार इस टाइम ये ना। उधर चलिए रुके, मस्त चले हुए हैं अभी, बाइक भी चेंज कर दिया फर्स्ट टाइम भैया एक दूसरी बाइक पर कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग। लाइफ में पहले कभी बाइक चेंज करी नहीं, अब चेंज कर रहे हैं, तो हॉर्न उन मार लेते हैं। तो काफ़ी लंबी बाइक है यार ये, तो बुलेट ही है। सनी भैया वो आगे चले हुए हैं, सनी भैया को हम रुकाते हैं तो इनको बैठा देंगे। तो आपको पता है कि हमने यार न्यू बाइक पर आज मतलब अवेंजर है, अवेंजर ली रखी है, इसमें मेरे यार दोस्त की है एंड मस्त मस्त। मैंने सोचा कि यार एक ब्लॉग भी बनाया जाए, क्योंकि सारी बाइक पर एक्सपीरियंस करना चाहिए है, सभी बाइक्स का एक्सपीरियंस होना भी चाहिए। तो हॉर्न उन मार लेते हैं, हमें जस्ट एक राइड लेने जा रहे हैं आज इसकी, यार सोचा एक ब्लॉग भी बन जाएगा और एक राइड भी हो जाएगी छोटी मोटी सी। तो हॉर्न उन मार लेते हैं, काफ़ी मस्त मस्त बाइक है वैसे, ऐसी बात नहीं है कि यार कि बाइक में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, एकदम मस्त मस्त बाइक है। और हमारे दोस्त पंकज भैया और सनी भैया भी एक्चुअली पीछे चले हुए हैं, और आप ज़रूर चेक करके बताना, बाकी खड्डो खड़ी चल रहे हैं। हम ट्राई मार रहे हैं कि हर एक बाइक को भैया एक तरह से यूज़ किया जाए एंड पता लगा जाए कि भैया बाइक हर एक जैसी कैसी है, और हर बाइक से हम निकलेंगे तभी एक भैया परफेक्ट बाइक कल को हम ले पाएंगे। तो सभी बाइक यूज़ करनी चाहिए, वैसे तो मैं पहले यार यूज़
यूज़ नहीं करते थे पर अभी यूज़ करने लगे हैं। और बताना ज़रूर भैया कि आपको विजुलाइजेशन कैसी आ रही है और लंबा व्यू आ रहा होगा आपको, क्योंकि यार ये जो बाइक है ना काफ़ी लंबी है एंड अमेजिंग है यार चलाने को, यार कितने अद्भुत तरीके से चल रही है ना कि क्या ही गए। बाकी भैया चीकड़ फेंक गया यार मेरे पर, यार आदमी चीकड़ तो फेंक गया। ये देखिए साइड बाई साइड यार क्या हो रखा है इस टाइम ना, काम वगैरह भी चला हुआ है हमारे इलाके में काफ़ी ना, जिस कारण ये साथ वाली साइड ना नाली वगैरह डाली जा रही है और नाली वगैरह डालने के कारण यार थोड़ा सा विजुलाइजेशन आपको भी हो रही होगी कि भैया साइड में भैया नाली वगैरह डाली है। और बाकी भैया आप ज़रूर बताना कि लंबा व्यू आ रहा होगा आपको, और ऐसे भैया हम मस्त मस्त अलग अलग तरीके से ब्लॉग बनाते रहेंगे। यहाँ से भैया हम लेंगे हम राइट टर्न, तो इंडिकेटर दे देते हैं और भैया देख लेते कोई आ तो नहीं रहा। थोड़ा सा भैया इसको तेज भी चलाकर देखेंगे, हर तरीके से इसको यूज़ करके देखेंगे। बाइक से यूज़ करेंगे तो काफ़ी आनंद है, भरपूर मज़ा आएगा। और हम कोई भी बाइक ले लें, चाहे जावा की हो चाहे कोई भी हो, रॉयल एनफील्ड हो, हंटर हो, सभी बाइक्स का काफ़ी भरपूर आनंद आने वाला है, क्योंकि यार जो मज़ा है ना चलाने में वो यार काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और इसका थोड़ा सा ना यार स्पीडोमीटर भी बंद है, स्पीडोमीटर बंद होने के कारण ना मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता नहीं सकता, पर यार जो इसका मेरे को मज़ा आ रहा है ना चलाने का, आहा आप ज़रूर बताना यार, कईयों के पास एवेंजर होगी, आप ज़रूर बताना आपको मोटर ब्लॉगिंग करना कैसा लगता है। ओ बाकी यार थोड़े से देख के भाई लोग बहुत ही आनंद आ रहा है, और सूरज ज़्यादा ऊपर निकले हुए हैं, हाँ तो ऊपर ही होते हैं, ओहो कैसी बातें कर रहा है। और देखिए जैसे मैं थोड़ी सी स्पीड में लेके जा रहा हूँ, मेरे को इतना आनंद आ रहा है चलाने में, मज़ा आ रहा है नहीं तेरे यार, मज़ा मज़ा मज़ा। आगे चला हुआ है ट्राला, तो ये सामने देखिए आईफल टावर, मजाक कर रहे हैं भाई लग, हमें बहुत आनंद भरपूर महसूस हो रहा है, क्योंकि यार जो बाइक का आनंद है ना, आहा लाले लाले हुंदी पे ही है नहीं तेरे यार दी। बारिश भी लग रही है यार ना, बारिश लग रही है तो मोटर ब्लॉगिंग बारिश में कर रहे हैं, ये क्या बात है। तो ये देखिए यहाँ से धौलपुर का राइट जाता है, मोहरपुर का लेफ्ट जाता है, हम लेफ्ट जाएंगे और हमारे दोस्त भी नहीं आए अभी, वो भी पीछे आ रहे हैं, तो हम मस्त मस्त लेफ्ट हो जाएंगे, बनेड़ा जाकर वापस आना है। तो यहाँ से लेते हैं यार, अगर ये बाइक हमें जची तो से यहाँ खड़े होते हैं, स्टार्ट ही लेने देंगे इसको बाइक। अभी आपको वेंजर थोड़ा सा चेक करवाते हैं, क्या मस्त मस्त भैया बाइक है, इंडिकेटर चला हुआ है, एक इंडिकेटर बंद कर लेते हैं, हमने यहाँ आकर ऑन करा था। ओहो रोड भी चेक करिए और साथ में अवेंजर चेक करिए, और ये गुतु जी कहाँ चले हुए हैं मुझे चेक करिए, इस टाइम तो स्टार्ट है ना, पर अभी तक हमारे दोस्त भी नहीं आए, बारिश लग पड़ी यार एक तो। भैया ना हमारे दोस्त आए ना कुछ बने, बाकी आपको पता ही है एग्जॉस्ट सुनिए, एग्जॉस्ट सुनिए एग्जॉस्ट, अभी ये ना इतने दिनों से स्टार्ट नहीं था, काफ़ी यार ये ना हवा छोड़ रहा है, बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट है यार, अद्भुत एग्जॉस्ट की तो बात ही मत करिए यार। चलो रे चलो, इसके ना तो आगे बहुत है वो, देखिए भाई साहब क्या ही व्यू, कती जहर वाला यार मजा आ रहा है ना, जो भाई लोगों को क्या ही बताएं यार, ऐसे लग रहा है भैया पता नहीं कहाँ कहाँ राइड कर रहे हैं यार, इतना फंटास्टिक फील हो रहा है ना, दिल से लबी लबी हो रहा है। हाँ तो यार एग्जॉस्ट भी सुना मैंने इसका, बहुत ही मस्त लगा, हम बस बनेड़ा तक जाकर आएंगे और बनेड़ा से वापिस आ जाएंगे, तो आपको पता है खरियाल भैया के पास चलते हैं, खरियाल भैया से समथिंग पूछते हैं, थोड़ा सा काम कर रहा है, वो सब पूछ के सारी बात करके फिर हम जाएंगे घर को वापस। पर बारिश लग रही है, बारिश में एक तो मोटर ब्लॉगिंग भी हो रही है, तो आप ज़रूर बताना, और थोड़ा सा हम वाइपर भी फेर लेते हैं यार, तो ये वाइपर फेर लिया, वाइपर ही फेर लिया, तो ये हम बनेड़ा के बाज़ार में पहुंच चुके हैं, बनेड़ा का बाज़ार चेक करिए, तो यार हम आगे से यू टर्न ले लेंगे, फिलहाल चेक करिए
जहाँ हम हैं। ये देखिए बनेरा का बाजार, बारिश काफी लग चुकी है तो हमें खड़े भी होना पड़ेगा, ये चक्कर वक्कर काफी बढ़ गया यार। ओहो ये तो सीन काफी बढ़ गया। और भैया चचा उल्टा फुल चले हो मजे में, देखो बाजार में काफी रश है। और यहाँ यार एक पता कर लेते हैं खरे यार भैया से। ओहो ओहो बारिश बारिश का कहर। खरियाल भैया की दुकान पे चलते हैं और पता करते हैं मस्त मस्त। कद और टाइम दसो। तो जिला मर्जी में नो फोन कर ले मैं छड़ दूंगा ना। कितना टाइम लगना और होने हो होने कितना टाइम लगना फिर करने वो हेलमेट टेप करने लगने एक टोका घंटा डेढ़ घंटा। ठीक है ठीक है समझे ना यार। बारिश काफ़ी लग पड़ी है यार, ये तो काम बिगड़ गया। तो अभी करते हैं बाइक स्टार्ट और चलते हैं। तो भैया हमने ये पूछना था कि क्या हेलमेट पर भाई साहब ये हो जाएगी लेमिनेशन, तो हमने ये पता करना था और पता कर लिया हो जाएगी। और बारिश काफ़ी लग रही है तो गोप्रो को यूज़ करना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्त भी नहीं पहुंचे हमारे पास तो हम चलते हैं, वो रास्ते में मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। तो हम सीधा यार जहाँ से आए हैं वैसे बिल्कुल चले जाएंगे। बस ये है मैं बोल रहा हूँ कि बार बार हमें हाथ भी फेरना पड़ रहा है। और यार देखिए थोड़ा सा आगे भी हाथ रखें या बात करें कि थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो रहा है काफ़ी, तो मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाता यहाँ खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा बचाव करने के लिए हमें खड़े तो होना पड़ेगा ना। आवाज़ सुनिए, एग्जॉस्ट सुनिए फिर से। मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी एवेंजर बाइक है 150 सीसी की बाइक आती है, स्ट्रीट समथिंग इसका पूरा नाम है। और यार थोड़ा सा ये एफर्ट पड़ गया कि अभी बारिश का मौसम हो गया है जिस कारण मैं ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक गए हैं। अभी हम सीधा घर ही जाएंगे और ज़्यादा कुछ हमारा खास प्लान होने वाला नहीं है। तो मैं एक बार फ़ोन कर लेता हूँ कि जो भी सिस्टम वस्टम है, अभी तक उनका कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ तो साथ वालों का। जैसे मैं ये कह रहा था कि यार अभी बारिश लगी हुई है ना, तो हम थोड़ा सा खड़े हुए हैं एंड आपको थोड़ा सा बता भी दें जिस कारण हमें खड़ा होना पसंद हुआ कि हम थोड़ा सा खड़े हुए हैं एंड आपको सब इन्फॉर्मेशन दें कि भैया हमें राइड कैसी लगी है। आज पहली बार मैंने बाइक और चेंज करी है, वैसे तो मैं पापा जी की बाइक चलाता रहता हूँ और एक दो बाइक वैसे भी चलाई है, पर आज जैसे मैंने मोटर ब्लॉगिंग में फर्स्ट टाइम भैया बाइक को चेंज करा है एंड आपको कैसा लगा ये मेरा एक्सपीरियंस आपको देना ज़रूर बनता है। तो हम सच में बताएं तो भैया जैसे बाइक आप चेक कर रहे हो एवेंजर काफ़ी लंबी बाइक है ना, ये तो ये पीछे से चेक करिए तो जिस हिसाब से बाइक है ना और इस हिसाब से हम मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं एक अलग ही वाइब आ रही है। और ये जो वाइब मैच कर रही है ना इतनी फंटास्टिक लग रही है ना। एंड मैंने यार ज़्यादा बाइक वगैरह चलाई नहीं है दूसरी, मतलब अपनी बाइक को छोड़ के मेरा मानना यही था कि मैं अपनी बाइक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ क्योंकि मेरे को वो यूज़ करना ज़्यादा बेटर लगती थी। और इस टाइम तो बारिश भी लग रही है, बारिश में हमने मोटर ब्लॉगिंग भी करी और सारे एक्सपीरियंस लेना हमने ज़रूरी और अनिवार्य समझा। एंड हम धीरे धीरे ऐसे ग्रो करते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगा कि भैया इसमें विजुलाइजेशन और एरिया आपको अच्छा लग रहा है एज एक्सेप्ट हमारे जो दूसरे बाइक्स वगैरह जो स्प्लेंडर यूज़ करता हूँ उससे थोड़ा सा भैया आपको यूनिक लग रहा है तो हमें ज़रूर बताना। बाकी हमने एक बात बताएं तो भैया जो वाइब हमारी स्प्लेंडर के साथ जीती हुई है ना उसके साथ जीती है। बाकी एक घोड़ा बताएं, वो देखिए घोड़ा जा रहा है और मौसम चेक करिए इतना खास और इतना फंटास्टिक है ना क्या ही कहें, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। अरे शब्द इतने तो निकल रहे हैं, क्या कह रहे हो। मौसम कितना जबरदस्त है और हमारी बाइक देखिए कितनी जबरदस्त है जो हम राइड कर रहे हैं। बाकी तो भैया एक बात कहें, स्प्लेंडर से हम चले हुए हैं ग्रो करें वो तो उसकी बाइक लगी है, बाकी हम चलेंगे। बाकी ये मैंने अभी पता करा है यार खरियाल भैया के पास जो इसका स्कल है ना ये मेरे को हल्का से यहाँ स्क्रैच आ चुका है यार देखिए, तो यही मेरे को मैटर कर रहा है कि यार इसको कुछ होना, तो जिस कारण मैंने अभी बातचीत करी उनसे कि भैया पूरे हेलमेट पर भैया मेरे को कर दी लेमिनेशन एंड जब लेमिनेशन हो जाएगी तो कोई दर्द भी नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत स्क्रैच होता है वो उससे डील कर लेंगे, ज़्यादा वाले से देख लेंगे। बाकी फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से, फिर से चलते हैं एंड थोड़ा सा फिर से आपको बताते हैं चलाकर बाइक एंड बाइक वगैरह चला के जब हम घर पहुँचेंगे उसको आप लोग को कर देंगे एटअप। तो यही मेरा एक ब्लॉग था। बाकी थोड़ा सा ये देखिए भैया रश कितना है, लाले लाले हुंडी पे ही है वो ग्रिप है ना काफ़ी मोटी है पिछले वाले टायर की,
और हम आने वाले टाइम में ऐसे कोई स्पोर्ट्स बाइक भी लेंगे या देखते हैं कोई भी। अगर आपको विजुलाइजेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम ग्रो करेंगे धीरे धीरे, प्रश्न चलते रहेंगे। बाइक में लगभग सीट का हिसाब होता है जिससे भैया थोड़ी सी भैया बैठने में एडजस्टमेंट अलग सी होती है। तो अभी जिस हिसाब से मैं बैठा हूँ, जिस पोजिशन में बैठा हूँ ना, तो ये थोड़ा सा कम्फर्टेबल भी है, बढ़िया है, लंबी बाइक है, बाकी कम्फर्टेबल अगर आदमी चलता है। बाकी जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उसमें पैर हमारे नेक पीछे को रहते हैं, टिल्टर रहते हैं हल्के से पीछे को। बाकी ये ग्राउंड चेक करिए, तो हम ब्लॉग को जल्दी कर देंगे भैया एंड अप और मिलेंगे आपके साथ न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो भैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी हम कोई भी एसेसरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी जानना हो आप तो जान सकते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल पर काफ़ी ऐसी वीडियोज़ अपलोडेड हैं जो आपके भैया काम की होंगी, ए टू जेड आपको काफ़ी चीज़ें बता रखी होंगी कि भैया हम कौन सी एसेसरी यूज़ करते हैं, कैसे ग्रो हुए। कोई भी भैया आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर भैया हमें मैसेज करना। बाकी हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है मिस्टर शिनोबी, आप वहां जाकर भैया हमको मस्त मस्त मैसेज भी कर सकते हो। चाहते हैं कि हमारे साथ सभी ग्रो करें, क्योंकि यार भाईचारा ऐसा ही होता है। तो भैया यहां से लेंगे हम लेफ्ट टर्न, और ये जो बाइक्स है यार काफ़ी कंफर्टेबल है चलाने के लिए। तो हमारी स्प्लेंडर तो काफ़ी जिंदाबाद है, पर हमें तो यार ऐसी बात है कि ये बाइक्स हम यूज़ करते हैं, बाइक बाइक का हिसाब होता है, क्योंकि इसका जो टायर का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण भैया इसकी जो पुशनिंग या मतलब हम बैठने में कंफर्टेबल है, मस्त मस्त चल रहा है। बाकी देखिए यार कि मतलब इस जहाँ हम निकल रहे हैं ना, इस यहाँ से तो ये रास्ता भी देखिए कैसा है। ओहो ट्राले वाला आगे चला हुआ है, ट्राले वाले अच्छा जी पास दे दो ना, दे दो ना जी जी ना। ओहो भैया अवेंजर जो बाइक चलाने का मज़ा है ना, लंबी बाइक चलाने का मज़ा है वो तो भैया क्या ही बताएं। हाँ तो नहीं रहा कुछ, ये ना रोड वगैरह काफ़ी यार टाइटेड है ना हमारे इधर, थोड़ा सा ये चक्कर वक्कर है कि रोड ये काफ़ी टाइट है, जिस कारण भैया थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। बाकी भैया बहुत ही अच्छा लगा आपने यार ब्लॉग देखा, और ऐसे हम न्यू ब्लॉग लेकर आते रहेंगे। जहाँ हम गए थे बनेड़ा वाली साइड, वहाँ तो यार काफ़ी बारिश हो रखी थी जिस कारण थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी। हो, 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 हो। तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट टर्न, फोन उन मार लेते हैं हम, एक तरीके से ये समझ लीजिए टेस्ट कर रहे हैं कि कल को बाइक लेनी ना हो कोई तो सही रहेगी कि नहीं। ओ चाचा जी देख के थोड़ा सा, तो ये हम सत्संग घर पहुँच गए अपने। तो ब्लॉग को देखा बहुत ही अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद, लव यू, मिलेंगे आपके साथ जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, शुक्राना है। मेरे वाली बाइक ये खड़ी है यार।